हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट्स या आप कह सकते हो एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट, इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद इसके अंडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होने वाले एरर्स और ओमिशंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट में जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं उसको सही करने के लिए की जाने वाली एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूं, मैंने एक बार फॉर्मेट लिख दिया है। अब देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे मकसद क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में कंडीशंस क्या दी गई है। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ठीक है? अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर्स को कमीशन देनी है तो हम पार्टनर्स को कमीशन भी देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेना है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पार्टनर से लेते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है यहां तक? कई बार क्या होता है, सभी अकाउंट्स बनने के बाद कुछ महीनों बाद इवन पता लगता है कि जो पार्टनरशिप डीड में कंडीशंस दी गई थी उन कंडीशंस को सही से फॉलो नहीं किया गया है, सही से फुलफिल नहीं किया गया है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। अब मिस्टेक्स दो तरीके की हो सकती हैं, एरर और ओमिशन। एरर का मतलब क्या होता है, गलती कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था पार्टनरशिप डीड में कि 10% पर एनम के रेट से देना है, बट हमने 15% पर एनम के रेट से दे दिया है, गलती कर दी है। पार्टनरशिप डीड में दिया गया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को 5% पर एनम के रेट से चार्ज करना है, बट हमने 10% पर एनम के रेट से चार्ज कर दिया, गलती होगी। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, ओमिशंस। पार्टनरशिप डीड में दिया गया था कि पार्टनर को सैलरी देनी है, हम सैलरी देना ही भूल गए। पार्टनरशिप डीड में दिया गया था कि पार्टनर्स को कमीशन देनी है, हम कमीशन को देना ही भूल गए। अब गलती तो हो चुकी है, अब उस गलती को सही करने के लिए, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। देखो कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे। अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बना हुआ है तो हम कौन से अकाउंट का यूज कर सकते हैं, करंट अकाउंट का। अगर कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज किया गया है तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट का। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया है कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तब हमने पार्टनरशिप डीड को सही से फुलफिल नहीं किया है, कुछ एरर कर दिए हैं, कुछ ओमिशंस कर दिए हैं, जिसके कारण पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया है और किसी पार्टनर को जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला है। अब हमें इस मिस्टेक को सही करना है, तो हम कैसे करेंगे, जिस पार्टनर को गलती से ज्यादा मिल गया तो अब क्या करेंगे, उस पार्टनर से हम वापस लेंगे, उस पार्टनर के अकाउंट को हम क्या करेंगे, कम, हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है? कम करने के लिए कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है? जिस पार्टनर को गलती से हमने कम प्रॉफिट दे दिया है अब उस पार्टनर को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर?
एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। नेट प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 1 लाख रुपीज। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिलनी चाहिए 20,000 रुपीज। तो हम कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड पे? नेट प्रॉफिट 1 लाख। फिर हम डेबिट साइड में सबसे पहले क्या करेंगे? ए को सैलरी देंगे, टू ए सैलरी 20,000। और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो बाकी जो प्रॉफिट बचता है कितना बच गया? 1 लाख में से 20,000 को माइनस कर दो, कितना बचा? 80,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर क्या है? 1:1। तो दोनों को क्या मिलेगा? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। क्लियर है? ऐसे ही करते हैं सॉल्व। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनता है ना। बट हमने क्या किया, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे ना, ए को सैलरी देना भूल ही गए। जो प्रॉफिट था ना, उसे हमने पार्टनर्स के बीच में सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो कैसे किया, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1 लाख, सैलरी दी ही नहीं। तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया? सैलरी तो हमने दी नहीं, तो 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट ही हमने ए और बी को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब देखो, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसमें हमने क्या कर दी है? मिस्टेक कर दी है। एक्चुअल में प्रॉफिट को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अब हम दोबारा तो अकाउंट बनाने से रहे, अब हमें क्या करना है, जो हमने गलती की है उसे ठीक करना है। देखो गलती क्या की है, ए को 60,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, उसका कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज से बढ़ना चाहिए था, बट हमने कितने से बढ़ाया? 50,000 रुपीज से, 10,000 रुपये कम से बढ़ाया। अगर हम अब ए के कैपिटल अकाउंट को 10,000 रुपीज से बढ़ा दें, क्रेडिट कर दें, तो हमारा ये जो गलती है वो ठीक हो जाएगी। बी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था? 40,000 रुपीज। बी को कितना प्रॉफिट मिल गया? 50,000 रुपीज। 10,000 रुपये बी को ज़्यादा मिले हैं। अगर हम बी के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से कम कर दें, मतलब बी के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर दें, तो क्या हमारा ये एरर ठीक हो जाएगा? तो क्या ये जो हमारी मिस्टेक है वो ठीक हो जाएगी? हो जाएगी। घूम फिर के क्या हुआ है, एक पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा चला गया, ज़्यादा प्रॉफिट चला गया, और एक पार्टनर के पास कम प्रॉफिट चला गया। प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सब कुछ बढ़ चुका है, बट किसी को ज़्यादा मिल गया है और किसी को कम मिला है। जिस पार्टनर को कम मिला है, अब उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें बढ़ाना है, तो हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। जिस पार्टनर को ज्यादा मिल गया, अब हमें मिस्टेक को करेक्ट करना है, अब हम क्या करेंगे, उस पार्टनर से वापस ले लेंगे, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को अब हम क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर हैं पी और क्यू, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। हमें उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, पी की कितनी है? 1 लाख, और क्यू की कितनी है? 50,000। द पार्टनरशिप डीड provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. Interest on capital हमें देना है 10% per annum के रेट से. For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital.
फर्म ने क्या किया है, सीधा प्रॉफिट्स को बांट दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना था 10% पर एनम के रेट से वो देना भूल गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को देना पड़ेगा, उस मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ेगा। देखो, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब देखो, इस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, करंट अकाउंट का। क्लियर है? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी को देना है और कितना क्यू को देना है। 1 लाख पी की कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपीज। पी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 10,000 रुपीज। क्लियर है? क्यू को कितना देना है, 50,000 उसकी कैपिटल है और रेट क्या है, 10% पर एनम। तो 50,000 को 10% से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट क्यू को देना है, 5,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अब हम सीखते हैं कि स्टेटमेंट या आप कह सकते हो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम डिस्क्रिप्शंस देंगे, इंफॉर्मेशंस देंगे। फिर जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बनेंगे। कितने पार्टनर्स हैं, 2, तो 2 कॉलम बना दो। फिर तीसरा कॉलम बनेगा फर्म का। यहां तक क्लियर है? अब जितने कॉलम है उन सभी कॉलम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पी का कॉलम है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डेबिट क्रेडिट, रुपीस रुपीस। क्यू का कॉलम है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डेबिट क्रेडिट, रुपीस रुपीस। फॉर्म का कॉलम है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डेबिट क्रेडिट, रुपीस रुपीस। ये जो पार्टनर्स के कॉलम है उसे हम कैपिटल या करंट अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। इस केस में हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, तो हम इन अकाउंट्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट की तरह। क्लियर है? और ये जो फर्म का कॉलम है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। फर्म को जो भी इनकम होगी पार्टनर से उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? पार्टनर का अगर हमें करंट अकाउंट बढ़ाना है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। अगर पार्टनर का हमें करंट अकाउंट कम करना है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को देना है। तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कितना देना है, पी को 10,000 रुपीज देने हैं, जिससे पी का करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? क्यू को 5,000 रुपीज देने हैं, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है पार्टनर को, अब ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चे को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस कॉलम में, डेबिट साइड में। कितना खर्चा है टोटल, 15,000 रुपीज का। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हम ये जो फर्म का कॉलम है, इन शॉर्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, डेबिट का कितना टोटल है, 15,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में कुछ है, नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, 15,000 रुपीज। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये फर्म का प्रॉफिट है या लॉस है, खुद सोचो। डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फर्म के लिए ये क्या है, लॉस है, लॉस है। और इस लॉस को हम क्या करेंगे, अब पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, फॉर शेयरिंग अबव लॉस, लॉस को किस रेशो में बांटा जाता है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या है, 1:1, P
क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। अब 15,000 रुपीज को हम पी और क्यू में बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लॉस है, लॉस से जो पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होगा, कम होगा। तो इस लॉस को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पी के डेबिट साइड में और क्यू के डेबिट साइड में। कितना कितना अमाउंट आएगा, टोटल लॉस है 15,000। पी को कितना बियर करना पड़ेगा, 1/2, और क्यू को कितना करना पड़ेगा, 15,000 का 1/2, दोनों को सेम ही करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 7500। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे, फर्म का अकाउंट तो हमने टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, बट जो पार्टनर्स का अकाउंट है उसे अभी हम सिर्फ पहले टोटल करेंगे। पी के डेबिट में कितना है, 7500, क्रेडिट में कितना है, 10,000 रुपीज। क्यू के डेबिट में कितना है, 7500, क्रेडिट में कितना है, 5,000 रुपीज। अब देखो नेट इफेक्ट क्या आएगा, अब हम देखेंगे नेट इफेक्ट कि किसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। देखो सबसे पहले निकाल लो डिफरेंस, पी का डेबिट का टोटल कितना है, 7500, और क्रेडिट का 10,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना है अमाउंट में, 2500। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो हमने क्या करना है, पी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है 2500 से। अब देखो क्यू की बारी, क्यू का डेबिट कितना है, 7500, और क्यू के क्रेडिट में कितना है, 5,000 रुपीज। डिफरेंस कितना है, 2500। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्यू के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाती है। क्यू के करंट अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट, तो लिखेंगे कैसे, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 2500 से। और पी के करंट अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट, टू पीस करंट अकाउंट, कितने से, 2500 से। नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, अब हमने क्या किया है, उसकी एडजस्टमेंट की है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। ए की कैपिटल दे रखी है 15 लाख, बी की कैपिटल दे रखी है 30 लाख, और सी की कैपिटल दे रखी है 60 लाख। यहां पर वर्ड यूज किया है फिक्स्ड कैपिटल, तो यहां पर हम एडजस्टमेंट एंट्री कौन से अकाउंट का यूज करके करेंगे, करंट अकाउंट का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। फर्म ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, जो कि सही था, बट 12% दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। देना कितना था, 10%, दे कितना दिया है, 12%, ज्यादा दे दिया है। अगर हम 2% पार्टनर से वापस ले लें तो हमारी मिस्टेक ठीक हो जाएगी, क्योंकि कितना देना था उन्हें, 10%, और ज्यादा दे दिया है, 12% दे दिया है, तो 2% अगर हम उनसे वापस ले लें तो क्या होगा, हमारी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ज्यादा दिया है, मतलब 2%, उसकी अमाउंट निकाल लेंगे। तो 15 लाख का 2% कितना आएगा, 30,000 रुपीज आ जाएगा। 30 लाख का 2% कितना आएगा, 60,000 रुपीज। 60 लाख का 2% कितना आएगा, 1,20,000 रुपीज। इसका मतलब ए को 30,000 रुपीज ज्यादा मिल गए हैं, बी को 60,000 रुपीज ज्यादा मिल गए, और सी को 1,20,000 रुपीज ज्यादा मिल गए। हमने उनके करंट अकाउंट को इस अमाउंट से ज्यादा बढ़ा दिया, अब हम क्या करेंगे, उनसे वापस लेंगे, तो उनके करंट अकाउंट को अब हम क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे, क्योंकि जब करंट अकाउंट को हमें घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर है? अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहला कॉलम क्या होता है, पर्टिकुलर्स का, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स के कॉलम बना देंगे ए बी सी। और चौथा कॉलम हम किसका बनाएंगे, फर्म का, जिसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह। क्लियर है? अब जितने पार्टनर्स के कॉलम है, हर कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और फर्म के कॉलम को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट। ठीक है? अब हमें क्या करना है, जो हमने इंटरेस्ट ज्यादा दिया है वो अब हमें वापस लेना है। तो क्या करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट ओवर क्रेडिटेड विद टू परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? ए से कितना लेना है, 30,000 रुपीज। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड पे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये अमाउंट उनसे लेनी है, इस अमाउंट से उनका करंट अकाउंट कम करना है। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, एके 30,000 रुपीज। बी का अकाउंट कितने से कम करना है, 60,000 रुपीज से। और सी का अकाउंट कितने अमाउंट से कम करना है, 1,20,000 रुपीज। इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, 2,10,000 रुपीज। ए कितना वापस कर रहा है, 30,000 रुपीज। बी कितना वापस कर रहा है, 60,000 रुपीज। और सी कितना वापस कर रहा है, 1,20,000 रुपीज। तो फर्म के पास वापस कितना प्रॉफिट आ रहा है, टोटल 2,10,000 रुपीज। और उसे हम फर्म के कॉलम में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है? 2,10,000 रुपीज। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म का जो कॉलम है उसको टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। क्रेडिट साइड कितनी है, 2,10,000। डेबिट साइड में कुछ है, नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। कितनी आएगी, 2,10,000 रुपीज। अब जब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट। इसका मतलब ये 2,10,000 क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स के बीच में बांट देगी, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट 2,10,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 2:3:5। अब हम क्या करेंगे, जो 2,10,000 है वो हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। ए को कितना शेयर मिलेगा, ए का कितना शेयर है, 2/10। बी का कितना शेयर है, 2,10,000 का 3/10। और सी का कितना शेयर है, 2,10,000 का 5/10। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब हमने जब कैलकुलेट किया तो ए का प्रॉफिट का शेयर आ गया 42,000 और बी का आ गया 63,000 और सी का है 1,05,000। अब ये प्रॉफिट है तो ये हम उनके करंट अकाउंट की कौन सी साइड में डालेंगे। अब इस अमाउंट से, इस प्रॉफिट से उनका करंट अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट अकाउंट बढ़ता है तो कहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी, क्रेडिट साइड पे। ए के भी क्रेडिट साइड पे, बी के भी क्रेडिट साइड पे और सी के भी क्रेडिट साइड पे। ठीक है? तो कितना ए के क्रेडिट साइड में डालेंगे, 42,000, बी के 63,000, सी के 1,05,000। और हमने क्या किया, ये 2,10,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। ए का डेबिट का टोटल कितना आया, 30,000, क्रेडिट का 42,000, बी के डेबिट का टोटल 60,000, क्रेडिट का 63,000, सी का 1,20,000, क्रेडिट का 1,05,000। अब हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ए का डेबिट का टोटल आ रहा है 30,000 और क्रेडिट का 42,000, डिफरेंस कितना है, 12,000। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। तो साइन कौन सा लगेगा, क्रेडिट।
ठीक है, बी की बात करते हैं। डेबिट का टोटल है 60,000 और क्रेडिट का 63,000, डिफरेंस कितना आया 3,000, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। क्लियर। सी की बात करते हैं। डेबिट का टोटल है 1,20,000 और क्रेडिट का है 1,05,000, तो कितना डिफरेंस आया 15,000, कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट, तो डेबिट का साइन आ जाएगा। क्लियर है। ये सब क्या है? नेट इफेक्ट। अब ये सब क्या है? नेट इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। अब सीखते हैं कि इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाएगी। सी का करंट अकाउंट होगा डेबिट और ए और बी का करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो कैसे लिखते हैं? सीज करंट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 15,000 टू एज करंट अकाउंट, क्योंकि ए का करंट अकाउंट क्या होना है? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 12,000 से। बी का करंट अकाउंट भी होना है क्रेडिट, तो कैसे लिखेंगे? टू बीज करंट अकाउंट कितने अमाउंट से? 3,000 से। फिर हम क्या लिखेंगे? नरेशन। अब हमने क्या किया है इस केस में, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पार्टनर को दिया था उसको अब हमने क्या किया है? उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया। तो नरेशन क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सेसिव गिवन नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।